हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज़ पार्ट सेवेंटीन ऑफ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड लेट मी टेल यू अगर आप में से कोई भी बच्चा एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है आप नबार्ड ग्रेड ए का मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप आईबीपीएस बी पी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप नबार्ड ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एफ के लिए प्रिपेयर कर, कर रहे हो स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी बैंक के एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एस ओ वगैरह की पोस्ट के लिए तो हर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट अगर आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स में प्रिपेयर कर रहे हो ना नबार्ड ग्रेड ए नेक्स्ट ईयर जो 2023 में आएगा तब भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि एग्रीकल्चर के करंट अफेयर सिर्फ एक या दो महीने के नहीं होते बेटा वो कम से कम एक डेढ़ साल के कवर करने पड़ते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है सो इट विल बी वेरी यूजफुल और इन करंट अफेयर्स के अंदर ना कई क्वेश्चन आपको स्टैटिक भी दिखते हैं तो आप कहोगे कि सर ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है तो वो स्टैटिक क्वेश्चन एज सच होता स्टैटिक है ठीक है वो पॉइंट आपका एक्सेप्ट करते हैं हम लेकिन उसमें क्या होता है ना जैसे करंट अफेयर है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई स्पीच दे रहे हैं वो स्पीच उनकी पीआईबी में आएगी क्योंकि हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो मेनली पीआईबी से इंस्पायर्ड होते हैं ठीक है तो अब प्रधानमंत्री ने कोई स्पीच दी उसमें उन्होंने किसी कैटल ब्रीड का नाम ले दिया ठीक है तो अल्टीमेटली वो कैटल ब्रीड इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके ऊपर स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो जो स्टैटिक क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन है ना वो भी करंट अफेयर डिराइव्ड होते हैं एंड टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो में एमसीक्यू कोर्स भी हमारा चल रहा है डिस्काउंट कोड लगा के आपको सिर्फ तीन सौ रुपये में पड़ता है वैलिडिटी जब तक आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्विज फॉर्म में होते हैं टेस्ट बनाए हुए हैं थर्टी थर्टी क्वेश्चन के टेस्ट बने हुए हैं तो पहले आप टेस्ट सॉल्व करते हो उसके बाद उसको आंसर कर सकते हो विच गिव यू अ गुड आइडिया कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी क्या है और डिटेल सोल्यूशन फिर उसके आप चेक कर सकते हैं अस क्विकली स्टार्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं इन अ मूव टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ यूनिक एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स द सेंटर थ्रू एपेक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी जो है आपकी एपेडा फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स अंडर द वेगन फूड कैटेगरी फ्रॉम नदियाद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात टू तो बेसिकली पहली बार अपेडा ने प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है और ये एक्सपोर्ट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से किए गए हैं किस डेस्टिनेशन पे किए गए हैं तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है लेकिन वो कई बार ना इतने लंबे लंबे से क्वेश्चन बना देता है ताकि बच्चा घबरा जाए तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो कई बार जो लंबे दिखने वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो सबसे ईजी होते हैं तो कहाँ पर हमने ये कंसाइनमेंट बेसिकली भेजा है अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है करंट अफेयर पड़े हुए हैं तो आता है नहीं पड़े हुए तो नहीं कर सकते इसको आंसर द राइट आंसर ओवर हेयर ए यूएस के अंदर हमने ये प्लांट बेस्ड मीट जो इसको एक्सपोर्ट किया है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से जैसे क्वेश्चन में हमने ये पूछ लिया कि कहाँ पर एक्सपोर्ट किया है वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से एक्सपोर्ट किया है तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात भी आपको याद रखना है देखो वेगन फूड प्रोडक्ट्स की जो पॉपुलैरिटी है वो विद इन टाइम बढ़ती जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी क्योंकि लोग जो है एनिमल वेलफेयर वगैरह की तरफ भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं तो जो प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका पोटेंशियल टू तो एक्सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा है क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी काफ़ी हाई होती है फाइबर रिच होते हैं ठीक है कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इसके अंदर कम होता है तो ऑल्टरनेटिव फूड प्रोडक्ट एक तरीके से दुनिया के अंदर ये बनते जा रहे हैं उसके बाद जी दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज साइंड एमओयू विथ कैंपोटेक्स विच इज अडिंग ग्लोबल पोटेशियम फर्टिलाइजर सप्लायर कैंपोटेक्स इज कंपनी इन विच कंट्री तो इंडिया की बहुत सारी फर्टिलाइजर कंपनीज ने कैंपोटेक्स के साथ पोटेशियम सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कैंपोटेक्स कौन सी देश की कंपनी है अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन सी कैनेडा की दोस्तों ये कंपनी है कैंपोटेक्स राइट सो इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी साइन एमओ कैनपोटेक्स कैनेडा वन ऑफ द लार्जेस्ट पोटेशियम सप्लायर ग्लोबली ठीक है जी तो so, इंडिया की कौन सी फर्टिलाइजर्स इंटरनेशनल चंबल फर्टिलाइजर्स इंडिया पोटेशन सब ने यह एग्रीमेंट साइन किया है एंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कैंपोटेक्स कैनेडा जो है ये फिफ्टीन एल एम टी के आसपास जो है पोटेशियम सप्लाई करेगी एनुअली फॉर द थ्री ईयर्स हर साल पंद्रह एल एम टी फिफ्टीन लाख मिलियन टन इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी पोटैश देखो पोटेशियम uh, का रिच सोर्स है एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन भी की जाती है एज uh, एम या फिर इसको नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ मिक्स करके भी अप्लाई किया जाता है इंडिया के अंदर पोटेशियम जो रिक्वायरमेंट है वो हम 100 परसेंट इम्पोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर पोटेशियम मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है 100 परसेंट हमारी जो रिलायंस है वो इम्पोर्ट के ऊपर है और करेंटली हम अराउंड फोर्टी एल एम जो रेट ऑफ पोटैश होते हैं वो इम्पोर्ट uh, करते हैं 40 एल के अराउंड एनुअली ठीक है तो 15 एल इसमें से अब कौन प्रोवाइड करेगा आपका कैनपोटेक्स जो कैनेडा की कंपनी है नेक्स्ट आ जाओ जी थर्ड क्वेश्चन के ऊपर थर्ड एक क्वेश्चन uh, जो है स्टैटिक कह लो करंट अफेयर कह लो जो मर्जी कह लो क्योंकि जब भी ये फेस्टिवल्स आते हैं तो इनका जिक्र जो है वो न्यूज के अंदर जरूर आता है तो नौखाई जुहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये एंड दिस इज़ बेसिकली सेलिब्रेटेड इन गाइस ए ओडिशा बी कर्नाटका सी राजस्थान डी महाराष्ट्र या ई नन ऑफ दी अबव तो इसमें आपका जो राइट right आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर अलग अलग एरियाज में अलग अलग एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हार्वेस्ट के लिए या सोइंग के लिए तो वो फेस्टिवल्स आपको पता रहने चाहिए करंट के अंदर जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको शो करता रहूंगा नौखाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एग्रीकल्चरल फैसिलिटी है जिसको नौखाई परब या नौखाई भेंट घाट भी कहते हैं एंड न्यू क्रॉप सीजन को वेलकम करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इसके अंदर जो आ, नुआ होता है उसको हम बोलते हैं न्यू ठीक है और खाई होता है ईट तो बेसिकली न्यू न्यू राइस को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फोर्थ क्वेश्चन अगेन फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन है ओनाम जो है ओनम जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक और बहुत जनरल हैं ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो या कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो तभी ये तो बचपन से पढ़ाए जाते हैं ओनम लोहड़ी ये सब फेस्टिवल्स के बारे में तो ठीक है नौखाई तो ये सब फेस्टिवल लेकिन अपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती अपन कंफ्यूज रहते हैं ना स्टेट्स के बीच में कि ओनम साउथ का फेस्टिवल है जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपके दिमाग में वो यार साउथ का फेस्टिवल है साउथ में मनाया जाता है कौन सी स्टेट स्पेसिफिक स्टेट पता होनी जरूरी है एंड द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर विल बी ऑप्शन ए केरला केरला विल बी द राइट आंसर ठीक है केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाएं वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 ये कहां पर हेल्प किया गया था वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहां पर हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बांग्लादेश इंडिया या फिर नन ऑफ दी अब यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन डी इंडिया के अंदर ये कंडक्ट किया गया था ठीक है चलिए तो वर्ल्ड डेयरी समिट एनुअल मीटिंग होता है ग्लोबल डेयरी सेक्टर का अराउंड पंद्रह सौ इसके रहते हैं पूरी दुनिया में से इससे पहले 2022 से पहले इंडिया के अंदर ये समिट 1974 के अंदर कंडक्ट किया गया था और इस साल का जो थीम था दैट वाज डेरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ बन्नी बुफेलो बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ द कंट्री ये बेसिकली मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन इसी न्यूज में से डिराइव है वर्ल्ड डेयरी सम्मिट में से क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गए थे इनॉग्रेशन वगैरह के लिए तो उन्होंने वहां पे लंबी चौड़ी स्पीच दी थी तो उस स्पीच के अंदर उन्होंने बन्नी बुफेलो के बारे में बहुत बातें बोली थी ठीक है तो बन्नी बुफेलो कौन से रीजन को बिलोंग करती है कच्छ जयपुर बेंगलोर विशाखापट्टनम या दी अब यहां पर आपका जो सही जवाब आएगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन ए कच्छ कच्छ को बिलोंग करती है आपकी बन्नी बुफेलो ठीक है जी बन्नी बुफेलो इसको मालधारी कम्युनिटी जो है कच्छ के अंदर दे बेसिकली मेंटेन है और इसको बेसिकली ड्रॉट एरियाज के लिए हार्श क्लाइमेट कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा एडेप्ट अच्छा कर सकती है ठीक है ऐसे क्लाइमेट के अंदर ये अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखती है एंड इट कैन थ्राइव ऑन द ग्रासेज जो बन्नी ग्रास लैंड है ना उस एरिया में वहाँ पर ये उस ग्रास के ऊपर बेसिकली थ्राइव कर सकते हैं एंड देट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बन्नी बुफेलो मालधारी कम्युनिटी बेसिकली इस बन्नी बुफेलो को मेनटेन करते हैं ठीक है तो ये भी पूछ सकता है कि यार ये कौन सी कम्युनिटी है जो बन्नी बुफेलो उसकी बेसिकली रेयरिंग करते हैं तो डैट विल भी मालधारी कम्युनिटी

इंडिया ने हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है FMD से और Busalis से अपने सारे एनिमल्स के लिए तो ये टारगेट कौन से ईयर तक हमने अचीव करना है हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन का एंड दिस इज द इंड ट्वेंटी फाइव ऑप्शन बी जो है यहां पर सही जवाब होगा नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कुन्नो नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ कुन्नो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट के अंदर है कुन्नो नेशनल पार्क अभी न्यूज में था क्योंकि आप चीता लेकर के आए हो इंडिया के अंदर तो कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर उन चीता को रखा गया है तो कौन सी स्टेट के अंदर है कुन्नो नेशनल पार्क ऑप्शन बी मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर टेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ चीता हम ये तो पता है हमें इंडिया से इंडिया में आए हैं कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हमने उन्हें रिलोकेट किया है लाए कौन से देश से हैं कौन से देश के चीता हम इंडिया में लेकर के आए हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामीबिया नामीबिया से चीता को लेकर के आए हैं ठीक है दोस्तों एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अगेन डे बेस्ड क्वेश्चंस ओजोन क्लाइमेट चेंज के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड डेफिनेटली एग्रीकल्चर के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है तो वर्ल्ड ओजोन डे दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है सिक्सटीन ऑफ सेप्टेम्बर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो साइनिंग हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो नाइनटीन में फोर्स में आई थी ठीक है तो बेसिकली वर्ल्ड ओजोन डे अवेयरनेस स्प्रेड करता है लोगों के अंदर ताकि ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सके और इस साल का जो थीम था दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ ये थीम था थीम भी याद रखेंगे आप अच्छा एक और क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 ट्वेंटी टू वॉज हेल्ड एट वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 ट्वेंटी टू कहां पर कंडक्ट किया गया था सो दिस वॉज कंडक्टेड इन दुबई गाइस ठीक है इसका आंसर जो है दुबई रहेगा ऑल राइट सो दिस वर द क्विक ट्वेल्व क्वेश्चन बहुत कम समय में फटाफट करने की कोशिश रहती है हमारी तो बारह क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आपको अगर किसी को लग रहा हो कि सर ये तो बहुत तेज भागे हो तो बेटा आप कमेंट करके बता सकते हो हम थोड़ा स्लो डाउन भी कर सकते हैं एंड आई होप मजा आया होगा सब लोगों को अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें किया गया इस